हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रांजल सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो पोस्ट कर पा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की वजह से जो वीडियो है वो डालना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर जो है वो नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे और आप अपडेटेड होते रहें अच्छे अच्छे वीडियो से। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक हाउस प्लान है 32x40 फीट का। तो दोस्तों, इस प्लान को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है, किस हिसाब से। तो दोस्तों, ये जो प्लान है वो 32 फीट इसका फ्रंट है और 40 फीट यहाँ पर इसकी लेंथ है पीछे की तरफ, और तीनों तरफ से ये कवर्ड है और फ्रंट जो है वो साउथ में है। इसका साउथ फेसिंग ये प्लॉट है और तीनों तरफ से कवर्ड है। और तो चलिए दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको इजी हो इसको समझना वो हमको आपको बता दें। तो ये जो आप पिंक वॉल देख रहे हैं ये है 5 इंचेस की वॉल, जितनी भी आप पिंक पोर्शन देख रहे हैं वो 5 इंचेस की वॉल है। और आपको जो रेड ये वॉल दिख रही है सामने ये है 9 इंचेस की वॉल। और उसके बाद जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ये विंडो की ओपनिंग है, मतलब यहाँ पर खिड़की लगाई जाएगी और विंडो की ओपनिंग आपको यहाँ पर डिनोट किया गया है ग्रीन से। फिर आप ब्लू जो देख रहे हैं ये ब्लू जो पोर्शन है ये डोर्स हैं यानी कि दरवाजे, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप जो येलो पोर्शन देखें ये कॉलम्स का है, कॉलम्स की स्पेसिंग, मतलब घर अगर पिलर पे आप बना रहे हैं तो कॉलम कहाँ कहाँ प्लेस करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, प्लान डिस्कस करते हैं। तो ये जो फ्रंट है वो 32 फीट का है, साउथ साउथ की तरफ फ्रंट इसका मिलता है आपको। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपको एक बड़ी सी पॉर्च मिलती है जिसका जो साइज है वो है 10 फीट बाई 16 फीट 7 इंच का, यानी कि 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 16 फीट 7 इंच इसकी लंबाई है। तो आप एक बड़ी कार जैसे स्कॉर्पियो 15 फीट की होती है उसकी लंबाई, तो आप स्कॉर्पियो भी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। तो एक बड़ी कार आप यहाँ पर आसानी से खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉन मिल जाता है जो जिसका साइज 6 फीट इसकी चौड़ाई मिलती है और 21 फीट इसकी लंबाई यहाँ पर मिल जाती है। और इस पे आप जो फ्लावर्स हैं या फिर जो गमले वमले हैं वो सब लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। दोस्तों, आजकल ट्रेंड में क्या है कि जैसे कोई घर अपना बनवाना चाहता है तो वो सोचता है कि नीचे हमारी फैमिली रह लेगी, ऊपर जो है वो हम किराए के पर्पज़ से उसको डेवलप करेंगे। तो उसके लिए जो बाहर से स्टेयर्स देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने बाहर से प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों चलिए फिर अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो आपको ड्राइंग रूम मिलता है 13 फीट बाई 10 इंच का, इसका जो साइज है ड्राइंग रूम का। यहाँ पर आप सोफ़ा लगा के बढ़िया एक एलईडी टीवी लगा सकते हैं और आसानी से काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो उसके बाद ड्राइंग रूम्स के अंदर चलेंगे आप तो आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है, काफ़ी बड़ा आपको डाइनिंग एरिया कम लिविंग एरिया मिलता है। तो इस एरिया को आप लिविंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सोफ़ा लाउन जो लगा के यहाँ पर एलईडी टीवी लगा के आप एक लिविंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसको डाइनिंग एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको वास्तु के हिसाब से किचन मिलता है, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको किचन मिलता है जिसका जो साइज़ है वो 10 फीट 7 इंच बाई 7 फीट 8 इंच का है। और उसके सामने आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा और इधर आपको एक टेम्पल मिल जाएगा, आप छोटा सा टेम्पल जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद इधर आइए तो यहाँ पर आप ओपन ओपन टू स्काई आपको मिलता है, ओपनिंग यहाँ पे मिल जाएगी जिससे कि आपको पूरे घर में वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ से क्या होता है वास्तु के हिसाब से भी एक जैसे प्लॉट है उसके बीच में एक ओपनिंग दिया जाना चाहिए। जैसे कि पहले गांव में क्या जब जो जो कच्चे घर बनते थे बीच में बहुत बड़ा सा आंगन होता था जिससे कि जो लाइट है वो प्रॉपर पहुँच सके हर एक रूम्स में और जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर फॉलो करते हुए हमने एक छोटा सा जो ओपनिंग है यहाँ पर दिया हुआ है जिससे कि वेंटिलेशन जो है पूरे घर में मिल सके। उसके बाद आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है जिसका जो साइज़ है वो 10 फीट बाई 5 फीट का है। तो आपको एक जो एक्सेसिबल कॉमन एक्सेसिबल टॉयलेट है वो मिल जाता है, इसका जो ओपनिंग है इसका जो वेंटिलेशन है हमने पॉर्च में दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक बेडरूम मिलता है, बेडरूम का जो साइज़ है 14 फीट बाई 10 फीट 10 इंच का है। और इसका जो अटैच टॉयलेट इसके साथ हमने दिया हुआ है, अटैच टॉयलेट जो है उसका साइज़ 10 फीट बाई 5 फीट का है। तो एक अच्छा खासा आपको जो टॉयलेट का साइज़ है वो भी मिल जाता है और इसका वेंटिलेशन हमने ओपन टू स्काई से यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो बेडरूम का वेंटिलेशन है हमने एक ओपन टू स्काई इधर जो पोर्शन है वो प्रोवाइड किया है। इसका जो साइज़ आपको मिलेगा वो 4 फीट बाई 5 फीट 7 इंच का मिलता है ओपन टू स्काई का। और यहाँ पर आपको जो दोनों बेडरूम है उसका वेंटिलेशन इस डक्ट से आपको मिल जाता है। जो बेडरूम 2 है इसका जो साइज़ है 11 फीट बाई 3 11 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 10 इंच का है।
तो यहाँ पर आपको जो बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी अच्छा मिलता है, स्टैंडर्ड बेडरूम आपको मिल जाता है। और जो स्टोर रूम है उसका जो साइज़ है वो 5 फीट 7 इंच बाई 6 फीट 5 इंच का आपको स्टोर रूम मिल जाता है। तो एक ऑल राउंड पैकेज आपको मिलता है यहाँ पर इस छोटे से एरिया में 32 फीट बाई 40 फीट में। तो दोस्तों ये है पूरा प्लान, और इसमें हमने हर एक चीज़ देने की कोशिश की है। एक पॉर्च आपको मिल जाती है, एक लॉन मिल जाता है, ड्राइंग रूम मिल जाता है, एक डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है आपको, अटैच टॉयलेट मिल जाता है, 2 बेडरूम मिल जाते हैं, स्टोर रूम भी मिल जाता है। तो ये है पूरा प्लान दोस्तों, कैसा लगा आपको कमेंट्स में मेंशन करिएगा। तो अगर आपका जो प्लॉट साइज़ वो 32 फीट बाई 40 फीट के आसपास है तो ये जो प्लान है ये कंसीडर कर सकते हैं आप। इससे कुछ आइडिया लेके जो अपना घर है वो डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आपका जो सपनों का आशियाना बनाने में हमारी थोड़ी भी सी भी हेल्प हो पाई तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप भी कोई अपना जो घर है वो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप जो प्लॉट साइज़ है वो मेंशन करिए, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वो मेंशन करिए। हम कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो उस पर बना पाएँ, और कोई भी हेल्प अगर हमारी तरफ से आपको हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी हमको। तो दोस्तों ये है इस ये 32 फीट बाई 40 फीट का प्लान, और इधर आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट, आपको सारी मेजरमेंट यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये प्लान है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा प्लान, और आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन इसमें लगता है कि कुछ और हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है, या फिर ये चीज़ गलत है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हम बिल्कुल उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, और वो काफ़ी खुशी होगी अगर हमें आप कुछ सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।